हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुस्तक वाटिका में चक्रपारी पांडे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि गुलाब को कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाएं, गुलाब की ग्रोथ को आगे कैसे बढ़ाएं। आज मेरा टॉपिक है गुलाब के लिए हम कौन सा खाना दें, भोजन दें जिसमें उसमें ढेरों कलियाँ आएँ और गुलाब खूब सारा फूल प्रोड्यूस करे। ये मेरा वीडियो ऐसा है कि सभी लोगों के समझ में आएगा। आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका गुलाब जरूर ग्रोथ करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक 12 इंच के प्लास्टिक के गमले में मेरे पास एक गुलाब लगा हुआ है। सुंदर सा गुलाब आप देखिए, इसका एक पौधा खिल के ख़त्म हो गया है। तो इस पौधे को हम एक कटर की सहायता से काट देंगे। काटने पर ध्यान रखें कि दूसरी कलियाँ न कटे, जहाँ से कटे वहीं से आप निकाल दीजिए। अब क्या प्रॉब्लम आती है, जो कल मैंने आपको इसके ऊपर पूरा डिस्कस किया था, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ये देखिए, इसमें पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं, पीली पड़ रही हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक जो पहला रीज़न हो सकता है, वो रीज़न ये है कि आप पत्तियों में ज़्यादा पानी डाल रहे हैं। पत्तियों में या फूलों में, गुलाब के पौधे में ज़्यादा पानी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी गुलाब ओवर वाटरिंग का शिकार हो रहा है। ऐसी अवस्था में आप कभी कभी अपने पौधे को अगर सेंडर में लगाए हैं तो हाथ से चला के, नहीं तो किसी की सहायता से चला कर आप देख लें कि पानी इसमें है तो नहीं। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप देखेंगे ये मेरे गुलाब में ऊपर तो है लेकिन नीचे ये पानी है बराबर। तो आज इसको हम पानी नहीं देंगे, इसको हम पानी दो दिनों के बाद देंगे। आप देखिए, बिल्कुल गीलापन ये भरा हुआ है, मॉइस्चर बिल्कुल भरा हुआ है। तो हम आज इसको पानी नहीं देंगे, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी और ये पत्तियाँ हमारी ऐसे ही पीली निकलती रहेंगी। देखिए, आप पीली पत्तियों को देखिए, ऐसे ही पीली पत्तियाँ हमारी निकलती रहेंगी। तो एक कारण, जो मेन कारण है गुलाब के पौधे में पत्तियों को पीली होने का, उसका मेन कारण है कि गुलाब में आपके ओवर वाटरिंग ज़्यादा हो रही है। जो दूसरा कारण बनता है उसका, कि इसमें आयरन की डिफिशेंसी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर आयरन डस्ट पाउडर, ये आप देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है आयरन डस्ट पाउडर को हम निकाल करके कुछ भाग, हाथ ही सफिशियंट होता है, चम्मच वगैरह मत देखिए, ये कुछ भाग लेंगे और गमले के चारों ओर हम बिखेर देंगे। लगभग आधा ग्राम लेंगे और हम गमले के चारों ओर बिखेर देंगे। अभी हम इसको मिलाएंगे नहीं, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें डालनी हैं। तो आयरन डस्ट पाउडर से गुलाब के पौधे में होने वाली आयरन की कमी दूर हो जाएगी और पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी रहेंगी। एक बात का ध्यान रखिए, आयरन डस्ट पाउडर आपको जहाँ भी मिले, अमेजॉन से मिल जाए या जिस भी उससे मिल जाए, आप ले लीजिए, फिर हाथ की सहायता से इस पर आप मिला दीजिए, जड़ों से दूर रखिए। तो ये पत्तियाँ जो पीली होती हैं, उसके पीछे ये कारण हो गया कि आपको आयरन डस्ट पाउडर जब मिलाएंगे अथवा ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा हम और अधिक फूल पाना चाहते हैं इसके अंदर, तो हम कुछ दवाइयों का और प्रयोग करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास इतनी दवाइयाँ नहीं सुलभ रहती हैं, हम गुलाब के पौधे को आगे कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ दवाइयाँ तो मंगानी ही पड़ेंगी। हमेशा हम आपको बताते रहते हैं कि इन दवाइयों को डालने से आपका पौधा बढ़ेगा। अब देखिए, ये हमारे पास 19-19-19 NPK बैलेंस फूड है गुलाब के लिए, या 20-20-20 या 18-18-18 भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका हम एक चम्मच लेंगे, एक देखिए 19-19-19 एक चम्मच हम लेंगे, एक चम्मच हम लेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही गुलाब है, इसलिए हम इसको क्वांटिटी को कम कर देंगे। अगर हम एक चम्मच लेते हैं तो कम से कम वो हमारे लिए 2-3 गुलाबों के लिए पर्याप्त है। ये देखिए, एक चम्मच हमने लिया और इसके आगे आगे मैंने स्प्रिंकल कर दिया, ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया।
स्प्रिंकल करने के बाद अभी इसको मिलाना नहीं है क्योंकि हम और सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। एक तो ये हो गया 19 19 19, ये प्रक्रिया आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर रिपीट करनी है, नहीं तो गुलाब आपका नहीं बढ़ेगा। तीसरी चीज़ आप देखिए, गुलाब को हमेशा एसिडिक सॉइल पसंद होता है, तो एसिडिक सॉइल बनाने के लिए हम ये देखिए एप्सम साल्ट, इसमें लिखा हुआ एप्सम साल्ट का प्रयोग करेंगे। एप्सम साल्ट को भी हम आधा चम्मच लेकर के गुलाब के चारों ओर बिखेर देंगे। ये एप्सम साल्ट को हमने लिया, इसमें चम्मच पहले से है तो एप्सम साल्ट को मैंने लिया, ये देखिए, और इसको चारों तरफ मैंने इसको डाल दिया। ये तो ये दो प्रक्रिया हम अपनाएंगे तो हमारा गुलाब का पौधा खूब फूलों से भरेगा, और इसको कायदे से हम मिला देंगे। फिर इसमें हम अभी वाटरिंग करेंगे, आप देखिएगा अभी हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमारे पौधे में पहले से पानी है। ये आपको वीडियो बनाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें मैंने पहले से ही मिला रखी हैं। तो दो चीज़ें का प्रयोग हमने यहाँ पे किया, पहले चीज़ 19 19 19, और दूसरा हमने एप्सम साल्ट डाल दिया। अब ये इसका पर्याप्त भोजन हो गया। अगर इसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं हैं, गुलाब को ज़्यादा फूल देना चाहते हैं, तो हर 15 दिन के ऊपर आपको एक दवा आती है ताकत, ये बायो पेस्टिसाइड है, सच बायो दवा है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बायोकेमिकल है, देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस पर अगर देख पाएँ पढ़ पाएँ तो पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये बहुत ही, जैसा ताकत इसका नाम है, बहुत ही ताकतवर दवा है। इसको डालने से गुलाब का पौधा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकसित होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। अब इन दवाइयों को डालने के बाद हम इसको न डालें, ऐसा हो नहीं सकता। आपके पास अगर ताकत है तो आप भी डालिए। ये ताकत आपको अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, या जो आपके आसपास की दुकानें हैं उर्वरक की, या जो खाद की दुकानें, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ ना हो तो आप मंगा लीजिएगा। मैं इसका प्रयोग कर चुका हूँ और मेरे पास जो भी गुलाब हैं सब में पड़े हुए हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये कि ये बायोकेमिकल है, इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक तत्व तो प्रयोग नहीं किया गया है। नवल एग्री बायोटेक इंडिया के नाम से इसके उत्पादक हैं, वहाँ से आप ये दवा सीधे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लिखा हुआ एक कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिशन, सारी न्यूट्रिशन जो गुलाब को मिलनी चाहिए वो सब इसमें मिलेंगी। अब करेंगे कहाँ, हम 1 लीटर पानी लेंगे हम, ये आप देख लीजिए, 1 लीटर मैंने पानी ये मग्गे में ले रखा है, और इसमें हम ज़्यादा नहीं, ये देखिए ये दवा थोड़ी गाढ़ी है तो मेजरमेंट के लिए हमने, ये देखिए मेजरमेंट के लिए 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, तो हम सिर्फ 10 ml दवा लेंगे। देखिएगा गाढ़ी दवा है ये, और 10 ml दवा हमारे कम से कम 5 पौधों के लिए पर्याप्त रहेगी। कितना गाढ़ा ये है देखिए, ये हमने 10 ml दवा ले ली, बिल्कुल गाढ़ा है, और इसको इसी 1 ml पानी में घोल देंगे। अभी घोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं कैसा हो जाएगा ये। पंद्रह 20 से 25 गुलाब में इसको डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो दवाइयां मैंने पहले डाली हैं उसको डालने के बाद, अगर आप उन दवाइयों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपके पास है ऐसा, हालांकि 19 19 आपको हर जगह उपलब्ध हो जाती है, एप्सम साल्ट आपको मेडिकल के दुकानों पे मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो ये थोड़ा मैंने फिर मंगाया 1 लीटर पानी, और चूंकि 10 लीटर पानी के लिए पर्याप्त था, इसमें थोड़ा मैं मिला दूंगा। अब देखिए थोड़ा मिलाने के बाद इसका रिजल्ट देखिएगा, ये बिल्कुल पतला हो गया, देख रहे हैं आप, और किसी सहायता से मैं इसको चला भी दूंगा, ये देखिए इतना ही मुझे देना है हर गमले में। अब देखिए मैं गमले के चारों ओर इसे डाल दूंगा, ये दवा पड़ गई।
पर्याप्त दवा पड़ गई है। इसको अभी हम और बचे हुए गुलाब में डाल देंगे। तो एक प्रक्रिया वो ये हो गई, इससे क्या होगा, देखिए तुरंत पानी सूखा हो गया। मीडिया ऐसी होनी चाहिए कि डालने के बाद तुरंत सूखी हो जाए। आपको एक बात और ध्यान होगा, मैंने गमलों के चारों तरफ छेद कर रखा है, इससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलता रहता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ढेर सारी कलियाँ लाने के लिए, बहुत सारी कलियाँ लाने के लिए, एक तो गुलाब की प्रूनिंग बहुत आवश्यक है। गुलाब की प्रूनिंग अब नहीं करनी है, अब समय निकल गया, लेकिन जो भी चीज़ें गुलाब में रहती हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था, इसको आप काटते रहें बराबर, सूखी डाले हैं जिसमें कोई अब वो नहीं बताया, जिसको हम स्केल की बीमारी के नाम से जानते हैं, इसको आप हटाते रहें। इसको डालने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपके गुलाब में बहुत सारे वेसल सूट आएंगे। ये देखिए वेसल सूट, नई पत्तियाँ, ये वेसल सूट इसे बोलते हैं, इससे बहुत सारी पत्तियाँ आएंगी हर जगह। आप देखिए कलरफुल पत्तियाँ, और पत्तियों से अलग पत्तियाँ आएँ। ताकत नाम की दवा का प्रयोग करेंगे तो वेसल सूट्स निकल के ही आएंगे, चाहे जो मौसम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में आपको फूल गुलाब आपका प्रोड्यूस करेगा। बस एक बात ध्यान रखिए कि इसको धूप में रखिए, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाए, तब इसको हल्का छांव दे दीजिए, बाकी गुलाब आपका ऐसे ही प्रोड्यूस करता रहेगा गुलाब। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कभी कभी इसमें फंगस लगते हैं गुलाब में, कल के वीडियो में थोड़ा मैं भूल गया था, तो फंगस लगने के लिए साफ फंगिसाइड आता है, 1 लीटर पानी में आधी चम्मच दवा मिला करके आप इस पर गुलाब के पौधों पर स्प्रे करें हर हफ्ते में। हफ्ते में मैंने 7 दिन आचर कर लिया आप, तो फिर 7वें दिन इसको स्प्रे करें। ये जो दवाइयाँ हमने डाली है वो दवाइयाँ आप हर हफ्ते रिपीट करें, तो इससे क्या होगा कि आपके गुलाब में किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी। और इससे बीमारियों को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। कुछ चीज़ों के बारे में भी हमने आपको डिस्कस किया था कल ही, वो वीडियो आप अपलोड हो गया होगा, आपको पता चलेगा। ये देखिए 1 लीटर पानी आ गया। अब इसमें हमें 2 चीज़ मिलानी है, एक तो साफ फंगिसाइड हम मिलाएंगे आधा चम्मच लेकर के, ये देखिए इसको लेकर के हम इसमें मिला देंगे। इसके अलावा हम इसमें एग्रोमिन गोल्ड, ये देखिए एग्रोमिन गोल्ड दवा है, इसको मैंने पहले से मिला रखा है, ये एग्रोमिन गोल्ड दवा है। इस एग्रोमिन दवा की 20 बूंद यानी 1 ml दवा कम से कम 1 लीटर पानी में लेकर के इस पर छिड़काव करेंगे। ये दवा मैंने पहले से ही इस पर बना के रखी हुई है। तो अब सबसे पहले हम फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे। फंगिसाइड का प्रयोग करने के लिए हम स्प्रे बोतल लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कितने स्प्रे बोतल का काम लगता है समय समय पर, लेकिन आप चूँकि एक साथ करेंगे नहीं, देखिए मैंने मिला दी दवा, मिल गई, अब इसको स्प्रे करेंगे। देखिए अब इससे क्या होगा कि फंगस नहीं लगेगा। कभी कभी इसका नाजल जो है खराब है, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। ये देखिए स्प्रिंगल हो गया। जो और दवा बची है मैं चारों तरफ मार देता हूँ, दिखा के वीडियो इधर घुमा करके, ये मेरे और गुलाब के पौधे में, उसमें भी नहला दे रहा हूँ शेष बची हुई दवा को, सब में ज़रूरत है, इसको नहला दो बोलो सब मार। एक तो ये हो गया, अब दूसरा बहुत सारी कलियाँ पाने के लिए एग्रोमिन गोल्ड। ये देखिए इसी के ऊपर हम डाल देंगे। पूरा नहला देंगे। अब एग्रोमिन गोल्ड हो गया, और थोड़ा सा बचा हुआ जो एग्रोमिन गोल्ड है उसका पानी मैं गुलाब के अंदर भी डाल दूंगा। ये मैंने गुलाब के अंदर भी थोड़ा सा पानी हाथ लगा के डाल दिया। अब ये गुलाब को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल चुका है,
गुलाब को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल चुका है। अब एक हफ्ते तक आपको गुलाब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस देखते रहना है जो पीली पत्तियां पड़ें, अगर वो इन प्रक्रियाओं से नहीं जा रही हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पानी की ज़्यादा होने से पत्तियां पीली पड़ती हैं, अथवा आयरन डस्ट की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं, अगर उसके बाद भी पत्तियां नहीं जाती हैं, तब आपको पीली पत्तियों को हाथों से तोड़ के अलग करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ें आप करें। आज मैंने एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले इसमें आयरन डस्ट का प्रयोग किया, मैंने दिया, फिर इसमें 19 19 19, ये सब जगह दुकानों पे उपलब्ध होता है, अच्छी कंपनी का आप लें, 19 19 19 मैंने इसके अंदर डाला आधा चम्मच, और फिर इसके बाद मैंने एक ताकत नाम की दवा मैंने डाली, ताकत नाम की दवा इसके अंदर मैंने प्रयोग की, इसके ऊपर मैंने छिड़काव भी किया और अंदर भी डाला, मैंने पहले बना के इसको रखा हुआ था। अब इन प्रक्रिया के होने के बाद अगर आप चाहें तो एक दिन के बाद, नहीं तो तुरंत ही, एक दिन के बाद या तुरंत ही आप एग्रोमिन गोल्ड का छिड़काव इसके ऊपर ज़रूर करें, ताकि पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आएँ, खूब सारे फूल खिलें और आपका मन प्रसन्न हो जाए। ये वैसा सूर जो आप देख रहे हैं, यह ताकत नाम की दवा का कमाल है। हमें आशा है कि आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया होगा। अब इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे कि कैसे कैसे प्रयोग करें। मेजरमेंट एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, आधा चम्मच 19 19 19, इसको आप पानी में भी घोल के दे सकते हैं, इसको आप सीधे चम्मच से स्प्रिंग कर सकते हैं। एप्सम साल्ट आधा चम्मच आप डालिए, क्योंकि इन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद है। इसके अलावा आयरन डस्ट आधा चम्मच आप मिला दीजिए, फिर इसके बाद इस गमले को पूरा भोंड दीजिए। पीली पत्तियों के लिए आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग से पीली पत्तियां पीली पड़ती हैं, वो ध्यान रखना है। जब गमले में ऊपर की सतह की मिट्टी सूख जाए तब आपको पानी डालना है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि पीली पत्तियां नहीं जा रही हैं, तब आयरन डस्ट का प्रयोग करना है। इसके बाद भी अगर पत्तियां पीली हैं तो हाथों से तोड़ के निकाल देना। अब ढेर सारे फूल फाने के लिए आपको इसमें एग्रोमिन गोल्ड का प्रयोग करना है, और फिर साफ फंगिसाइड का प्रयोग अगर आप करते रहेंगे तो पौधों में फंगस नहीं लगेंगे। ये आज का हमारा वीडियो था गुलाब के ऊपर, कल हम गुलाब के ऊपर दूसरा वीडियो लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जो गुलाब के शौकीन हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके इसको पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको देने के इसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।